हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश के पर्यटन स्थल से रिलेटेड प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाने वाली प्रश्नोत्तरी। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बीर महल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है दतिया। व्याख्या जानेंगे इसकी। मध्य प्रदेश के दतिया में वीर सिंह महल स्थित 17वीं शताब्दी है, जो उत्तर भारत के सबसे बेहतरीन इमारतों में माना जाता है। यहाँ का पीताम्बरा देवी शक्तिपीठ भारत के श्रेष्ठतम और महत्वपूर्ण शक्तिपीठों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर का प्रख्यात गुजरी महल किसने बनवाया था? इसका आंसर है मान सिंह ने। व्याख्या जानेंगे इसकी। राजा मान सिंह तोमर, जो कि ग्वालियर के राजा थे, उन्होंने 1486 से 1516 के मध्य अपनी प्रेमिका मृगनयनी, जो गुर्जर जाति की थी, उनके लिए ग्वालियर के दुर्ग में एक कलात्मक एवं सुंदर गुजरी महल बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर महल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ओरछा। व्याख्या जानेंगे इसकी। प्रदेश के ऐतिहासिक स्थान ओरछा में जहांगीर महल स्थित है। 1512 में निर्मित जहांगीर महल वीर सिंह देव ने 1512 ईस्वी में अपनी परम मित्र बादशाह जहांगीर, जिनका एक नाम सलीम ही था, उनके लिए 1512 ईस्वी में बनवाया था। जहांगीर महल का निर्माण बुंदेला राजाओं एवं मुगलों की मित्रता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट किस नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर है मंदाकिनी। व्याख्या जानेंगे इसकी। प्राचीन काल में तपस्या और शांति का स्थल चित्रकूट मध्य प्रदेश के सतना जिले में उत्तर प्रदेश की सीमा पर मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित है। चित्रकूट के दर्शनीय स्थलों में रामघाट में मंदाकिनी नदी के तट पर स्थित घाटों की कतारें हैं। कामतगिरी, जानकी कुंड, सती अनसुईया आदि शामिल हैं। मंदाकिनी नदी को पाइसुनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोशक महल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है चंदेरी। व्याख्या जानेंगे इसकी। मध्य प्रदेश के चंदेरी में कोशक महल स्थित है। इस महल को 1445 ईस्वी में मालवा के महमूद खिलजी ने बनवाया था। यह महल चार बराबर हिस्सों में बटा हुआ है, जबकि चंदेरी किला चंदेरी का सबसे प्रमुख आकर्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में प्रसिद्ध कमलापति पैलेस कहाँ स्थित है? इसका आंसर है भोपाल। व्याख्या जानेंगे इसकी। 18वीं सदी में रानी कमलापति द्वारा कमलापति पैलेस का निर्माण भोपाल में करवाया था। वर्ष 1722 में बने महल से दोनों झीलों का खूबसूरत नज़ारा देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से ज़िले को दक्षिण भारत का द्वार कहा जा सकता है? इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं, ना ही खंडवा को, ना ही अलीराजपुर को, ना ही रीवा को दक्षिण भारत का द्वार कहा जा सकता है। व्याख्या जानते हैं इसकी। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में स्थित असीरगढ़ एक गांव है। असीरगढ़ का ऐतिहासिक किला बहुत प्रसिद्ध है। असीरगढ़ किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर स्थित है। इसकी गणना विश्वविख्यात गिने चुने किलों में की जाती है, जो दुर्गम और अजेय माने जाते थे। इतिहासकारों ने इसका बाबा ए दक्खन, मतलब दक्षिण द्वार, कलोद ए दक्खन, दक्षिण की कुंजी के नाम से विख्यात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दुर्ग रामायण से संबंधित बताया गया है? इसका आंसर है बांधवगढ़ दुर्ग। व्याख्या जानेंगे इसकी। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में बांधवगढ़ दुर्ग स्थित है। रीवा रियासत के महाराज राजा व्याध्रदेव द्वारा इसके निर्माण की जानकारी मिलती है। बांधवगढ़ दुर्ग का उल्लेख नारद पंच और शिव पुराण में भी मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ का प्राचीन शहर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है इंदौर के पास। व्याख्या जानेंगे इसकी। बाघ मध्य प्रदेश के धार जिले का एक कस्बा है, जो प्रदेश की औद्योगिक राजधानी इंदौर और बड़ौदरा के पास स्थित है। इन गुफाओं का संबंध
बौद्ध धर्म से है। अजंता और एलोरा की तर्ज पर ही बाघ की गुफाएं बनी हैं। इन गुफाओं की खोज 1818 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज बहादुर का महल कहाँ स्थित है? इसका आंसर है मांडू। व्याख्या जानेंगे इसकी। बाज बहादुर महल 16वीं शताब्दी की एक इमारत है जो मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में स्थित है। मालवा में स्थित यह महल रूपमती और बाज बहादुर के बीच की प्रेम कहानी के दूसरे पहलू को दिखाता है। बाज बहादुर खान मालवा के अंतिम सुल्तान थे जिन्होंने 1555 से 1562 ईस्वी तक राज किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ममलेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ओमकारेश्वर। व्याख्या जानेंगे इसकी। ममलेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश के ओमकारेश्वर में स्थित है। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थित ओमकारेश्वर मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में शाही किला कहाँ स्थित है? इसका आंसर है बुरहानपुर। व्याख्या जानेंगे इसके। बुरहानपुर में स्थित शाही किला एक राजसी महल था जो ताप्ती नदी के पूर्व में स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकूट रामायण काल से ही एक लोकप्रिय नाम है, यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है सतना। व्याख्या जानेंगे इसकी। मध्य प्रदेश के सतना जिले के अंतर्गत आने वाला प्रमुख पर्यटक चित्रकूट धार्मिक आस्था का केंद्र है। चित्रकूट के घाट एवं मंदिर दर्शनीय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेरी के पास 15वीं सदी में निर्मित पुराने मदरसा को किस रूप में जाना जाता है? इसका आंसर है उजर। व्याख्या जानेंगे इसकी। उजर इमारत एक मकबरा है जिसे बाद में मदरसे में परिवर्तित कर दिया गया। मदरसे के चार बरामदों में बनी बड़ी बड़ी मेहराबें इसे भव्यता प्रदान करती हैं। इसका निर्माण मालवा सल्तनत के महमूद खिलजी के संरक्षण में 1450 ईस्वी में किया गया था। यह सुंदर संरचना वास्तव में एक मदारिस शिक्षक और दारुल उलूम विश्वविद्यालय के आलिम मतलब कुलपति की कब्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दमोह में पहाड़ी किला कहाँ स्थित है? इसका आंसर है सिंगौरगढ़। व्याख्या जानेंगे इसकी। सिंगौरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के दमोह जिले में सतपुड़ा की पहाड़ियों पर स्थित है। प्राचीन काल में इस किले का बहुत अधिक सामरिक महत्व था। 15वीं शताब्दी में गोंड राजा दलपत शाह अपनी रानी दुर्गावती संग यहाँ रहते थे। यह गोंड वंश के शौर्य और गौरव की धरोहर है जो खंडहर अवस्था में पहुँच गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? इसका आंसर है विदिशा की उदयगिरी गुफाएं। इसके अलावा खजुराहो स्मारक समूह शामिल है और भीमबेटका के पाषाण आश्रय यह भी शामिल है। सांची का स्तूप बौद्ध स्तूप यह भी शामिल है। व्याख्या जानते हैं इसकी। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में मध्य प्रदेश के 3 स्थलों को शामिल किया गया है। विदिशा स्थित उदयगिरी गुफाएं यूनेस्को की धरोहर में शामिल नहीं है। विश्व धरोहर की सूची में शामिल मध्य प्रदेश के प्रमुख स्थल यहाँ पर हम जानते हैं, यहाँ पर स्थल बताए गए हैं और यहाँ पर उनके वर्ष बताए गए हैं। सबसे पहले है खजुराहो के मंदिर, यह 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। सांची का बौद्ध स्तूप यह 1989 में यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। भीमबेटका की पाषाण आश्रय यह 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चतुर्भुज मंदिर के मुख्य देवता हैं? इसका आंसर है भगवान विष्णु। व्याख्या जानेंगे इसके। मध्य प्रदेश में चतुर्भुज मंदिर खजुराहो जिला छतरपुर में है। इस मंदिर के प्रमुख देवता विष्णु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का ताम्रपाषाणिक स्थल नहीं है? इसका आंसर है जोरवे। व्याख्या जानेंगे इसकी। काली सिंध नदी के दाएं तट पर उज्जैन के समीप स्थित कायथा ताम्रपाषाण संस्कृति का प्रमुख स्थल है। कायथा की खोज वर्ष 1964 में बी.एस. वाकणकर ने की,
जोरवे मध्य प्रदेश का ताम्रपाषाण एक स्थल नहीं है। मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाण संस्कृति के अन्य स्थल नवदाटोली, मालवा, महेश्वर नागदा, एरण सागर, मनोती, इनामगांव आदि हैं। इनका उत्खनन एच डी संकालिया द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की गुफाओं एवं उनसे संबंधित स्थान के अनुसार सही जोड़ी चुनिए। इसका आंसर है पांडव गुफा पचमढ़ी में है, यह जोड़ी सही है। इसके अलावा जो यहाँ पर बताई गई हैं जोड़ियाँ, यह सब गलत है। व्याख्या जानेंगे इसकी। यहाँ पर सही जोड़ी बताई गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया भ्रातरी गुफाएं जो कि उज्जैन में है, भीमबेटका की गुफाएं जो कि रायसेन में है, पांडव गुफाएं पचमढ़ी में है, उदयगिरी गुफाएं विदिशा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिसनहारी की बस्तियाँ निम्नलिखित में से किस एक धार्मिक समुदाय से संबंधित है। इसका आंसर है जैन। व्याख्या जानेंगे इसकी। मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट स्थित पिसनहारी की मठिया दिगंबर जैन पंथ का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। अपनी वास्तुकला, शिल्प और सुंदरता के लिए जाने जाने वाला यह जैन मंदिर 600 साल पुराना पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया जो निम्न जिले से आए थे। इसका आंसर है छतरपुर। व्याख्या जानेंगे इसकी। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर का निर्माण वर्तमान छतरपुर जिला लाए हुए बलुआ पत्थरों से लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीर्थराज के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है अमरकंटक को। व्याख्या जानेंगे इसकी। अमरकंटक मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल यही है। इसके अलावा यहीं पर सतपुड़ा, विंध्य और मैकाल पर्वत श्रेणियों का संगम होता है। दुर्वासा ऋषि की तपस्थली भी यहीं पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बंदर कूदनी मार्बल के पहाड़ स्थित हैं। इसका आंसर है जबलपुर। व्याख्या जानेंगे इसकी। सांस्कृतिक एवं संस्कार राजधानी के नाम से जबलपुर को जाना जाता है। धुआंधार जलप्रपात, गीता धाम, बादशाह हलवाई मंदिर, भेड़ाघाट, मूठिया मेट, तिलादेश्वर मंदिर, शिव मूर्ति और 64 योगिनी मंदिर, एकादशी देवी मंदिर मुख्य पर्यटन स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के एक संग्रहालय में धार की भोजशाला मंदिर की देवी की छवि को प्रदर्शित किया गया। इसका आंसर है लंदन। व्याख्या जानेंगे इसकी। धार की भोजशाला मंदिर की देवी की छवि अब लंदन के एक संग्रहालय में प्रदर्शित की गई है। राजा भोज द्वारा निर्मित भोजशाला संस्कृत अध्ययन का केंद्र तथा सरस्वती का मंदिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुमाओ महल को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसका आंसर है हिंडोला महल। व्याख्या जानेंगे इसकी। मध्य प्रदेश के धार जिले में मांडू प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ के अनेक दर्शनीय स्थलों में से एक हिंडोला महल है जिसे घुमाओ महल कहा जाता है तथा झूला राजप्रसाद भी कहा जाता है। हिंडोला महल का निर्माण गयासुद्दीन के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीपनी आश्रम अवस्थित है। इसका आंसर है उज्जैन। व्याख्या जानेंगे इसकी। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी उज्जैन से भगवान श्री कृष्ण और बलराम तथा उनके मित्र सुदामा ने शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने यह शिक्षा ऋषि संदीपनी के आश्रम में ग्रहण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया था। इसका आंसर है मांडू में होशंगशाह का मकबरा। व्याख्या जानेंगे इसकी। विश्व धरोहर सूची में शामिल विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल ताजमहल जिस नमूने के आधार पर बनाया गया था वह मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मांडू में स्थित होशंगाबाद के मकबरे होशंगशाह के मकबरे पर आधारित है। भारत में संगमरमर से निर्मित पहली इमारत होशंगाबाद का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सास बहु मंदिर किस शहर में स्थापित है। इसका आंसर है ग्वालियर। व्याख्या जानेंगे इसके। सास बहु मंदिर अथवा सहस्त्रबाहु मंदिर ग्वालियर किले की पूर्वी दिशा में स्थित है। यह 32 मीटर लंबा और 22 मीटर चौड़ा मंदिर है जो तीन विभिन्न दिशाओं में खुलता है। सास बहु मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और देवी सरस्वती की सुंदर मूर्तियां स्थापित हैं।
सासबहु मंदिर का निर्माण 1092 ईस्वी में कछवाहा वंश के राजा महिपाल ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित मंदिर कौन सा है? इसका आंसर है वनखंडेश्वर मंदिर। व्याख्या जानेंगे इसकी। वनखंडेश्वर मंदिर भिंड जिले में मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस शिव मंदिर का निर्माण 1175 में राजा पृथ्वीराज चौहान ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा स्थल नावदा टोली कहाँ स्थित है? इसका आंसर है खरगोन। व्याख्या जानेंगे इसकी। मध्य प्रदेश राज्य के पश्चिम निमाड़ खरगोन जिले नर्मदा के तट पर प्रसिद्ध धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल महेश्वर के सामने नर्मदा के दूसरे तट पर नावदा टोली नामक स्थान है, जहां ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। इस स्थल का उत्खनन डॉक्टर हंसमुख धीरजलाल संकलियान के निर्देश में पहले वर्ष 1952-53 ईस्वी में तथा बाद में वर्ष 1957-59 में करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिन्नौरगढ़ का किला किस नगर के पास स्थित है? इसका आंसर है भोपाल। व्याख्या जानेंगे इसकी। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में गिन्नौरगढ़ का किला स्थित है, जो प्रदेश की राजधानी भोपाल से महज 65 किलोमीटर की दूरी पर है। इस किले का निर्माण परमार वंश के राजाओं ने किया था। इसके बाद निजाम शाह ने किले को नया रूप प्रदान कर इसे अपनी राजधानी बनाया। यह सुंदर बावड़ी, बादल महल और इत्रदान जैसे सुंदर महल हैं। यहाँ पर किले के पीछे सदियों पुरानी एक गुफा भी है, जिसमें एक शीतल जलकुंड स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में भीम बेटिका शैलाश्रय स्थित है? इसका आंसर है रायसेन। व्याख्या जानेंगे इसकी। मध्य प्रदेश रायसेन जिले के अब्दुल्लागंज के निकट भीम बेटिका की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं स्थित हैं। यह स्थल शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 500 से अधिक गुफाओं में लाखों साल पहले गुफा वासियों के रोजमर्रा का जीवन दर्शाते शैल चित्र हैं। वर्ष 2003 में यूनेस्को ने भीम बेटिका को अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया। रायसेन जिले के भोजपुर में अपूर्ण शिव मंदिर बेतवा नदी के किनारे स्थित है, जिसमें मंडल महामंडल अंतराल का अभाव है। इस मंदिर को भारत की प्रथम गुंबद वाली इमारत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था? इसका आंसर है गुमान सिंह। व्याख्या जानेंगे इसकी। मध्य प्रदेश राज्य के पन्ना जिले में आने वाला अजयगढ़ ब्रिटिश राज के दौरान राजसी राज्य अजयगढ़ की राजधानी था। बुंदेलखंड राज्य के वीर महाराजा छत्रसाल 1649 से 1731 के वंशज बुंदेला राजपूत जैतपुर के महाराजा कीरत सिंह के पौत्र दत्तक पुत्र गुमान सिंह ने 1765 ईस्वी में अजयगढ़ राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनासोर के अश्मीभूत अंडे पाए गए? इसका आंसर है धार जिले में। व्याख्या जानेंगे इसकी। मध्य प्रदेश की धार जिले में अनुसंधानकर्ताओं के एक समूह द्वारा करोड़ों वर्ष पहले विलुप्त हो चुके डायनासोर के लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पुराने प्रजनन स्थल की खोज की गई। शोधकर्ताओं द्वारा ऐसे अंडे देने के लिए दो स्थल चिन्हित किए हैं, जहां डायनासोर के दुर्लभ जीवाश्म जमा हैं। डायनासोर के अंडे और जीवाश्मों के संरक्षण के लिए धार में राष्ट्रीय डायनासोर जीवाश्म उद्यान स्थापित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल की घाटी में अटेर दुर्ग किसके द्वारा निर्मित किया गया? इसका आंसर है भदौरिया। व्याख्या जानेंगे इसकी। अटेरिया का किला एक मध्ययुगीन किला है, जो चंबल नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित है, जो अपनी महिमा और अपनी भव्यता के लिए विख्यात रहा। अटेर का किला चंबल नदी के तट पर एक ऊंचे स्थान पर स्थित इसका मूल नाम देवनागरी दुर्ग है। इस किले का निर्माण 1664 ईस्वी में भदौरिया राजा बदन सिंह ने करवाया था। यह किला हिंदू और मुगल स्थापत्य कला का बेजोड़ नमूना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्योपुर वडोदरा रोड पर 18वीं शताब्दी में निर्मित हवेली का क्या नाम है? इसका आंसर है नयागांव। व्याख्या जानेंगे इसकी। नयागांव हवेली श्योपुर वडोदरा रोड पर श्योपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।
यहाँ स्थित मनोहर दास और अनिरुद्ध सिंह के छत्र महत्वपूर्ण है। 18वीं शताब्दी में बनी इस होली हवेली के कमरे में झरोखा है। इस हवेली का निर्माण गौर राजपूत द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में 32वीं बावड़ी स्थित है? इसका आंसर है अशोकनगर चंदेरी। व्याख्या जानेंगे इसकी। 32वीं बावड़ी चंदेरी की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी बावड़ी है। इतिहासकारों के अनुसार जब तक समुद्र में पानी रहेगा तब तक इस बावड़ी में पानी रहेगा। 32वीं बावड़ी का निर्माण 1485 ईस्वी में शेर खान ने सुल्तान गयासुद्दीन शाह खिलजी के शासनकाल में करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐतिहासिक आनंद की नगरी मांडू किस जिले में है? इसका आंसर है धार। व्याख्या जानेंगे इसकी। खुशियों का शहर मांडू धार जिले में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में स्थित है। 13वीं सदी में मालवा के सुल्तानों ने इसका नाम शादियाबाद अर्थात खुशियों का शहर रख दिया था। यहाँ के दर्शनीय स्थल जैसे जहाज महल, हिंडोला महल, शाही हमाम, वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।